आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, कहा रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत से सकारात्मक संकेत मिले। यूएनएससी की बैठक में भारत का बड़ा बयान, कहा शरणार्थियों के लिए दवाओं की आपूर्ति कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर बढ़े, 80 पैसे हुआ महंगा, दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार। श्रीनगर के रैनावारी में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने दो दहशतगर्दों को किया ढेर, ऑपरेशन जारी। उत्तर भारत में तेजी से बढ़ रहा तापमान, कई राज्यों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। आज फिर जनता को महंगाई का झटका लगा है। आज 9वें दिन देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 8वीं बार वृद्धि की गई है। पिछले 9 दिनों में 8 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। बुधवार यानी कि आज देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की वृद्धि की गई है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 80 पैसे की बढ़त के बाद 101.01 रुपए प्रति लीटर पर आ गए हैं और डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़त के बाद 92.27 रुपए प्रति लीटर दर्ज किए गए हैं। देश में 9वें दिन भी 8वीं बार आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे लगातार लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि अगर इसी तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे तो आखिर परिवार पालन पोषण कैसे करेगा, अपने जो परिजन है उनका पालन पोषण कैसे होगा। तो लगातार अब जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं उस पर लगाम लगाई जाए। तो जिस तरह से जनता पर पेट्रोल और डीजल के दामों की मार पड़ती जा रही है, वहीं अब लोगों की भी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का सितम जारी है। अभी मार्च महीना ही चल रहा है और मई जून जैसा तापमान होने लगा है। दिल्ली में तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जिससे लोगों को घरों के बाहर निकलने में भी दिक्कतें होने लगी हैं। इसके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ में आज का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिन में तेज धूप रहेगी, जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जहां एक तरफ महंगाई लोगों की परेशानी बनी हुई है, वहीं लगातार अब भीषण गर्मी भी लोगों की परेशानियां बनता जा रहा है। यूपी में लगातार ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि तापमान लगातार बढ़ेगा और अभी मार्च खत्म नहीं हुआ है कि मई जून जैसी गर्मी पड़ने लगी है। खबर गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील थाना जंगहा के राघव पट्टी पडरी के टोला फैलाहा से है, जहां सैनिक धनंजय यादव की मौत के बाद उसे शहीद का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर अड़े दंगा कराने की साजिश रचने की बात सामने आई है, जिसका खुलासा एक रिपोर्ट से हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि ड्रोन कैमरे की रिकॉर्डिंग से उपद्रवियों की पहचान कर पुलिस ने 56 लोगों को चिन्हित किया है। इसके बाद 56 नामजद लोगों और लगभग 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि फौजी के मौत के बाद हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगने लगे हैं, जिसको लेकर गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की माने तो ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है और समाजवादी पार्टी का नाम खराब करने की ये पूरी साजिश रची जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी का कोई हाथ नहीं है, ना ही उन्हें इस मसले से कोई लेना देना है।
ये उस मामले में पुलिस ने अभी तक 14 लोगों को अरेस्ट किया है और वीडियो और फुटेज के आधार पर अन्य लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। 3 लोगों के खिलाफ 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार घोषित किया गया है। कई लोग इसमें फरार हैं जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है और प्रतिदिन हम दबिशें कई दे रहे हैं अलग अलग जनपदों में। जो भी लोग इसमें लिप्त रहे हैं उपद्रव करने में, सरकारी संपत्ति को नुकसान करने में, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान करने में, उन लोगों के खिलाफ 6 मुकदमे चौरी चौरा थाने पर दर्ज हुए हैं और 1 मुकदमा RPF की तरफ से दर्ज किया गया है और इसमें लगातार पुलिस की कार्यवाही जारी है और इनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी। देखिए, जो चोरी चोरा की घटना हुई है, जिस तरीके से परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो एकदम गलत है, निराधार है। चोरी चोरा में जब शहीद की बॉडी आई है, किसी को नहीं पता था कि वो बॉडी एम्बुलेंस से आ रही है, लेकिन जब गोरखपुर वो बॉडी आई और एम्बुलेंस से आई और गांव गई तो एक क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया कि ये तो सेना के किसी भी सैनिक का अपमान है। चूँकि उस बॉडी के साथ सेना का कोई जवान नहीं आया था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया था, मृत्यु का कारण क्या था, परिवार भ्रमित था, इस नाते एक भ्रम की स्थिति फैलती चली गई। वहाँ के लोगों ने प्रशासन से यही मांग किया कि हमको स्थिति स्पष्ट कराई जाए सेना के द्वारा कि मृत्यु का कारण क्या है और क्यों एम्बुलेंस से भेजा गया और सलामी गारद देने के लिए क्यों नहीं कोई वहाँ से सेना का जवान आया। इन सब बातों को लेकर वहाँ बात चल रही थी और परिवार के सदस्य उनके पिताजी की कुछ मांगे थी, उन मांगों पर बात चल रही थी। चौरी चौरा में जो कानून व्यवस्था जितने लोगों ने प्रभावित की गई थी और जो घटना को अंजाम दिया था उनका चयन हम लोगों ने CCTV कैमरा के फुटेज से, वीडियो रिकॉर्डिंग जो हुई थी उससे किया और उसके बाद उनको नामजद किया है और FIR दर्ज हुई है और उनकी कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ पूर्ण हो गई हैं, कुछ लोगों की तलाश अभी जारी है, अतिशीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने पूर्व में भी ऐसी घटना की है, जो पुनः इस घटना में भी वो शामिल हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और उनके 14(1) में उनके संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। और इसमें क्योंकि इसमें मलबा किया गया था, सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई गई थी, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया गया था, काफ़ी क्षति पहुँचाई गई थी और पथराव भी हुआ था और आगजनी भी की गई थी, तो इसलिए उनके खिलाफ रासुका भी लगाई जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे ऐसे कोई ना करे इसके लिए इसको नज़ीर भी बनाया जाएगा। हम खड़े हैं चौरी चौरा के राघोपट्टी के फैलाहा गांव में, जहां धनंजय यादव जो कि कुछ दिन पूर्व संदिग्ध हालत में उनकी मृत्यु हुई थी, सेना में जवान थे, ऐसे में उनके पिताजी के पास हम लोग आना चाहे लेकिन उनके पिताजी की तबीयत ख़राब है और वो गोरखपुर में भर्ती हैं और उनके परिजन, उनके चाचा, बड़े पापा सभी यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे मौत हुई, उनको कैसे सूचना मिली, इसकी जानकारी लेते हैं ग्रांड जूरे पे। आप उनके चाचा हैं, कैसे उनकी मृत्यु हुई थी और कैसे पता चला, सूचना मिली और क्या प्रशासन ने वहाँ पे पोस्टमार्टम कराया, मिश्रा के लिए भेजा, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? हम लोगों को सर 24 घंटा पहले सूचना मिला 21 तारीखों को आपको लड़का सुबह गायब है। हम लोग फिर छानबीन शुरू करना, मतलब वहाँ फोनों के द्वारा पता करने चाहे तो दूसरे दिन आ रहा फोन कि 5 बजे आपको लड़का का सही पता हम लोग बता देंगे और 5:20 पर सर सूचना आ रहा है कि आपका लड़का सुसाइड कर लिया। ये संदिग्ध का विषय है कि 24 घंटे में आप लोग कितनी बार कितनी बातें बदले। उसके बाद फिर हम लोगों को बुलाया गया, हम गंगोट में 4 लोग गए वहाँ सिक्किम में, वहाँ बॉडी दिखाया गया, बॉडी को कोई निशान हम लोगों को दिखा नहीं। जो वहाँ पुलिसकर्मी थे उनसे पूछे गया तो वो लोग यही बताए कि हम लोग वहाँ नहीं थे, हम लोग की ड्यूटी यहीं थी, यहीं लगाया गया कि बॉडी आपको लेके साथ में जाना है। हम लोग सर पोस्टमार्टम हुआ वहाँ से सैनिक के गाड़ी में 125 किलोमीटर जो आए, उसके बाद वो कैंप था मिलिट्री का, वहाँ प्राइवेट जो है एम्बुलेंस में उन्होंने बॉडी को रख दिया। हम इंग्लिश जानते नहीं सर, इंग्लिश में उन्होंने लिखा हुआ था, हमसे साइन कराया कि इस पर साइन कर दो, हमने साइन कर दिया। साइन करने के बाद उन्होंने मेरे पिता भाई बड़े भाई का नंबर लिया, ना नंबर पर वो कह रहे हैं कि हमने बॉडी हैंड ओवर कर दिया। जब हैंड ओवर का नाम लिया तो सर हमने आधा किलोमीटर बोले कि चलो हमारी भी जिप्सी साथ में चल रही है, हम लोग साथ में चल रहे हैं, हम विश्वास में थे, हम भी चले आधा किलोमीटर। जब वो लोग नहीं आए तो हमने फोन संपर्क साधा तो बोले आप लोग चलते रहे, मैं आ रहा हूँ। हमने बोला नहीं, ऐसे बॉडी नहीं जाएगी, हम लोग यहीं रुके हैं, आप भी साथ में आइए। उन्होंने कहा हम लोग एरोप्लेन से आ रहे हैं, आप चलिए, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा।
हम लोग फिर उनके बातों में लेकर के अपने बाड़ी चल दिए। जब रास्ते में आए सुबह 6 बजे तो भी वो उन्होंने संपर्क साधा तो कह रहा हम लोग ट्रेन से आएंगे, ट्रेन जो हमारी लेट है हम 4 बजे शाम को आएंगे। हमने पूछा सर तो बाड़ी को क्या करें, जला दें या क्या करें, आप जैसे बताइए, आर्मी में ले जाएँ कैंप में। उन्होंने बोला कैंप में चले जाइए, पता कर लीजिए। जब वहाँ हम लोग गए तो वहाँ सूचना मिला कि हम लोगों को कुछ भी नहीं पता यहाँ पर बाड़ी के क्या करना क्या नहीं, हम कुछ बगैर सूचना का नहीं कर सकते। वहाँ कुछ हमारे लोग इकट्ठे हुए थे, हमने समझा बुझा कर बाड़ी को अपने घर ले आया। प्रशासन से मांग हमारी भी यही थी कि हमारे लड़के के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। लड़का जिस परिस्थिति में मिला जाँच का विषय है, हम भी संदिग्ध के घेरे में, एक लड़का हमारा ऐसा कर नहीं सकता, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं, प्रेशर घर का था। अभी 22 जनवरी को एंगेजमेंट हुआ था शादी का, हंसी खुशी से बात होती थी रोज़। लेकिन पुलिस प्रशासन वहाँ की अब क्या हमारे साथ अन्याय किया। कुछ लोग गांव के भी इकट्ठे हुए सर सहानुभूति में, हम लोग यहीं पर अपना मांग कर रहे थे, जो भी SDM साहब वगैरह आए थे कि हमारी मांगे ऐसी है, हम लोग के साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। कुछ बाहरी तत्व तो आए सर बाड़ी को, हम लोग को अभी हम लोग बातचीत चल रही थी, उठा कर लेके चले गए चौरी चौरा। वहाँ भी हम लोग शांत तरीके से अपना धरना पर ही बैठे थे पूरे गाँव के लोग। DM साहब आए, सारी बात उन्होंने कहा, हमने कहा आपके पर विश्वास है, हमारे भाई साहब बोले जो आप देंगे सर हमें मंजूर है, नहीं देंगे हमारा लड़का तो मर गया, हमारा तो घर उजर गया, इकलौता लड़का था, अब हमें क्या आप ज़्यादा कहना आपके ऊपर है, हमारी एक लड़की है शादी नहीं हुई है। हमने डिमांड वो उन्होंने रखा कि भाई हमारी लड़की का कहीं नौकरी मिल जाए, जो राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती वो मिल जाए, हमारे लड़के को शहीद का दर्जा मिल जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सब मिल जाएगा, मैं गाड़ी आर्मी वाले नहीं दे रहे हैं, हम PSC के गाड़ी पर सारी सजावट करके आपको भिजवा रहा हूँ। हम लोग सहमत होकर PSC के गाड़ी पर लोड कर दिया सर। जो ही लोड किया तब तक पुलिस प्रशासन वहाँ पुलिस जो है लाठी चार्ज हो गई, लाठी चार्ज में भगदड़ मच गया। उसके बाद फिर हम लोग बाड़ी उतार के अपने प्राइवेट साधन से लेकर के बाड़ी आए। उसके बाद ईंट पत्थर कहाँ से चलना शुरू हुआ, कौन सी पद्री चलाए सर हम लोग जान नहीं पाए। अब उसके पीछे सर पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है, सब निर्दोष लोगों का नाम उसमें आ रहा है, हमारे गाँव में एक भी आदमी नहीं है जो हमारे दरवाजे पर आवे हमको सहानुभूत दें। भाई साहब की तबीयत खराब, गोरखपुर भेजे गए हैं दवा के लिए। इस हालात में प्रशासन से यही मांग हमारी है, जो सहायता है वो अपनी दें और बाकी जो निर्दोष लोग हैं उनको ना छेड़ा जाए सर। जो पत्थर चलाएं हाथ में दिखते हैं उनको सजा से दी जाए, हम उसके लिए बिल्कुल मंजूर हैं, लेकिन हमारे आदमी गाँव के सब भागे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ऐसा ना हो उनके साथ। ये थे धनंजय यादव के चाचा जी, तो कैमरामैन उज्जवल के साथ हिमांशु श्रीवास्तव, क्राइम TV गोरखपुर। खबर देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव चयापुर से है, जहां प्राइम टीवी ने प्रमुखता के साथ मारपीट की खबर को दिखाया था। वह इस खबर के चलने के बाद पुलिस ने इस मामले पर एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को अब जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि रास्ते में मिट्टी रखने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसमें दूसरे पक्ष के लोगों ने महिलाओं पर जमकर लाठी डंडे बरसाए थे। इस दौरान आप TV स्क्रीन पर अपनी तस्वीरें भी देख सकते हैं, किस तरह से महिलाओं को पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है, लाठी डंडों के साथ दूसरे पक्ष की महिलाओं की पिटाई की जा रही है। इस जनपद के थाना रामपुर कारखाना के ग्राम भीखमपुर के चैयापुर में मकान के सामने मिट्टी रखने को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं और बच्चों को लाठी डंडों से लात घूंसों से मारपीट करके घायल कर दिया। इस संबंध में थाना रामपुर कारखाना पर अभियोग पंजीकृत करते हुए जिस आक्रामक पक्ष के लोगों द्वारा अपराध किया गया है उनमें से 4 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, इसमें अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। कानपुर शहर के घने इलाकों में सुअर बाड़ा का संचालन रोकने के लिए गए नगर निगम की टीम पर दबंगों ने पथराव कर दिया। पथराव में नगर निगम के सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रिजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने पथराव करने वाले दबंगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखने की तहरीर दी। जानकारी के मुताबिक नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ता जूही इलाके में पहुंचा था, जहां सुअर बाड़ा संचालक और उनके समर्थकों ने नगर निगम के दस्ते पर पथराव कर दिया।
खबर कन्नौज के इंदरगढ़ क्षेत्र के उधमपुर गांव से है, जहां एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में युवक को देखकर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए तीरवा मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया। फरुखाबाद के कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र में दरोगा की पत्नी और प्रेमिका के बीच 20 सड़क पर ही जमकर लात घूंसे चले, जहां बवाल बढ़ता देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को कर्नलगंज चौकी पहुंचाया। आपको बता दें कि दरोगा की 5 साल पहले शादी हो चुकी है, जिससे उसका 3 साल का एक बच्चा है, जबकि इस दौरान प्रेमिका ने दावा करते हुए कहा कि 2 साल पहले दरोगा ने उसके साथ कानपुर के एक मंदिर में शादी की थी। ये लड़कियां तीनों मुझे जान से मारने की धमकी देती हैं, कहती हैं अपने पति से, या तो मेरे पति से रहती, या तो अपनी पत्नी को तो जान से मार दे या मरवा दे, नहीं तो हम मार देंगे। कौन है ये लोग? कौन है? जन्नत खान, लाइवा उर्फ नेहा, बहन कायना, छोटी बहन का मुझे अच्छा, पता नहीं, बरेली की निवासी है, सदर बाजार की रहने। आपके पति से इनका क्या संबंध है? इनका मेरे पति से पता नहीं क्या संबंध है, ये जानती होगी। ये कहती है कि मेरे पति हैं, लेकिन ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अच्छा, तो मर्जी से संबंध। आपकी शादी कब हुई थी पति से? मेरी शादी 2017 30 मार्च को। आपके पति कहाँ रहने वाले हैं? फरुखाबाद, देवरामपुर के। आप कहाँ फरुखाबाद रहने वाली हैं? जी। अच्छा, तो आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति सब इंस्पेक्टर हैं दरोगा। दरोगा में सब इंस्पेक्टर हैं। कहाँ? जालौन में। अच्छा, तो अभी आज क्या मामला हो गया था? मैं अपने पति को ढूंढते हुए यहाँ पे आए, इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, मेरे बच्चे ऊपर हमला किया, मेरे बच्चे को बहुत मारा, जान से मारने की धमकी दी, मेरे बच्चे को पटक दिया। खबर एटा से है, जहां 4 महीने पहले घर से गायब हुई युवती को उसकी 2 बहनें दिल्ली लेने गई, लेकिन एटा से करीब 20 किलोमीटर आगे बस निकलने के बाद जब दोनों बहनों को युवती बस में नहीं दिखी, तब उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद ये मामला सामने आया कि हाईवे पर चलती बस से युवती कूद गई थी, जिसके बाद पुलिस ने युवती को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जिसके बाद चिकित्सकों ने युवती की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। एक महिला है, उम्र लगभग 25 वर्ष होगी, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनके साथ में उसकी दोनों बहनें भी थी। उन्हीं दोनों बहनों ने बताया कि वो उसको दिल्ली से लेकर आ रही थी और थोड़ा सा उसकी दिमागी हालत अच्छी नहीं थी, तो जब रास्ते में आ रही थी तो उसने कहा कि मैं पीछे बैठ जाती हूँ, और ये दोनों बहनें आगे थी, वो पीछे बैठ गई और चलती गाड़ी में उन्हें नहीं पता, टोल से पीछे कहीं वो उससे कूद गई, तो उन्होंने रास्ते में लगा कि हम देखें, जब टोल पे आकर उन्होंने देखा कि उसकी सिस्टर नहीं थी, तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई, फिर फ़ोन किया और फिर पता चला कि वो इस तरह से घायल हो गई और उनको जिला अस्पताल में भर्ती किया। सर, अभी पोजीशन क्या है? अभी जिला अस्पताल द्वारा हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कन्नौज से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां खेत में फसल की सिंचाई करते समय युवक को समरसेबल पंप मालिक ने पकड़ लिया और उसको रस्सी से बांधकर उसके साथ कुकर्म किया। वही पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है और किशोर को मेडिकल के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का है। तो आपको बता दें कि कन्नौज में किशोर को बंधक बनाकर उसके साथ कुकर्म किया गया है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, साथ ही पीड़ित किशोर को पुलिस ने मेडिकल के लिए भी भेज दिया है। हम मेरे पापा खेत में पानी लगाने गए थे और वो टिप्पू समर वाला हमारे संग आया और हमें रिंच पाने के बहाने से बुला गया अपनी समर तीर। मेरे पापा काफ़ी दूर रह गए थे खेत में और इसने मेरे मुँह में कपड़ा लगाकर अंगोछे से हाथ पाँव बांध कर हमारे संग गलत काम किया और फिर हम थाने में मेरे पापा ढूंढ भय आए, फिर मेरे पापा ने हाथ पाँव खोले, फिर वो डर के भाग गया है। पानी लगा रहे थे, अचानक वहाँ से मेरे लड़का गायब हो गया, समर वाले भी बुला के ले गए थे, वहाँ ढूंढते रहे अपने लड़के को, लड़का वहाँ दिखाने में आए, अचानक हम समर के पास पहुँचे, वहाँ पे हमारा लड़का बंधा था हाथों से, उसके बाद में मुँह में कपड़ा लगा था, जब उसके हमने हाथ और मुँह का कपड़ा निकाला तो हमको पिट के रोने लगा, तब उसने हमको बताया कि साहब मेरे 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 साथ में टिप्पू ने
बलात्कार का केस किया है। फिर उसके बाद में हम बच्चा हमारा रोने लगा, हम खुद चिपट के, फिर उसके बाद वहाँ से आए, फिर हमने घर पर राय ली। मैं उसके बाद में हमने 112 नंबर लगाया जी, यहाँ से गए तो उसको टिकट बुक करा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।